Subscribe to Shimaru Shorties and click the bell icon to never miss an update. अरे कंचन, रुखसार अभी तक नहीं आई। भैया, रुखसार राखी का दिन कभी नहीं भूल सकती, आती ही होगी। लो, नाम लिया और आ गई। आदाब भाईजान। जीती हो रुखसार। कंचन, हाँ, हमारी सारी सहेलियां सुरमई पहाड़ी पर जाने के लिए हमारा इंतजार कर रही हैं। हम लोग जाएं भाईजान? हाँ हाँ, जरूर जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। बदतमीज, जब आपने बदतमीज का खिताब दे ही दिया तो हम बदतमीजी कर ही डालते हैं। ये तुम्हारी ये मजाल? मजाल नहीं, हुजूर रुमाल, चेहरा साफ, हिसाब साफ। बेशरम, चलो यहाँ से। अबू जान। हाँ बेटे। लगता है सुल्तान ने हमारे भाईजान को बहुत सताया है, देखिए कैसा पसीना निकल रहा है। देखो बेटे, तलवारों से खेलने वाले मोतियों से खेलने लगे तो उनकी ताकतों को जंग लग जाता है। इसे अदब से ले जाओ और जिसकी अमानत है उसे इज्जत से वापस लौटाओ। मैंने कहा सिर्फ मोती देके आना, दिल नहीं। चाचू, बात क्या है? आशु आज कुछ ज्यादा ही चहक रहा है, पटक दूं? पटक दो। रुखसार। जी भाईजान। तुम्हारी सहेली आई है तुमसे मिलने। कौन हो तुम? मैं हूँ अनारकली। तुम? हाँ, हम। आखिर तुम चाहते क्या हो? एक छोटा सा बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दिल ले लो, दिल दे दो। खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। अरे, ये कौन है और हमसे कैसे पर्दा? कहो तो दिखा देती हूँ अपना नूरानी चेहरा। तुम मेरे होने वाले जीजा जी। अल्लाह अल्लाह की कसम, तुमसे प्यार हो गया मुझे। अल्लाह की कसम, तुमसे प्यार हो गया। बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। हम कब्रों से इंसान ढूंढ कर निकाल लेते हैं और तुम एक मोती नहीं ढूंढ सके, इसीलिए तलाश जारी है। बाबा जानी, देखिए वो मोती हमें मिल गया। कहाँ से मिला बेटा साईं? हमारे बिस्तर में। सलमान बेटे। अब्बू, एक बहुत ही जरूरी काम आन पड़ा है। अंगूर खाएंगे? नहीं बेटे, आप खाओ। ये कागजात लेकर तुम्हें कल ही शहर जाना होगा। जी। शहर? इसे कहते हैं खून का असली रंग। वाह बेटे, मोहब्बत भी की है तो दुश्मन की बेटी से। शाबाश बेटे, शाबाश। अब चाहे खून की नदियां बह जाएं, फतेह खान की बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिए बगैर हम दम नहीं लेंगे। फतेह खान! क्या बात है शेर खान? नींद से आंख खुलते ही हमने अपने बेटे का हर ख्वाब पूरा किया है। इस रिश्ते को चाहे हमारी जिद समझो या दरख्वास्त, मगर गलती से भी इस पर नामंजूरी की मोहर न लगाना, वरना। वरना क्या? वरना लाशों के ढेर पर बारात आएगी। वक्त दे थोड़ा मुझे, मैं अपने बेटे को मनाने की कोशिश करती हूँ। नहीं अम्मा साईं, नहीं। आप इस बीच में मत बनिए। हमारी मानिए तो आप फौरन हज पर चले जाइए। जवान बेटी की शादी करवाना हज से भी बड़ा सवाब है। हमने शेर खान को हां कर दी है कि रुखसार की शादी उसके बेटे से ही हो। ये हमारा फैसला भी है
और हुक्म भी। बाबा जानी, अगर आप चाहें तो बारात खुद ब खुद वापस लौट सकती है। बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब, निकाह की रस्म अदा कीजिए। एक खाना खाली रह गया है, इसमें हक मेहर कितना लिख दूं जनाब? हम बताते हैं मौलवी साहब, लिखिए 50 लाख रुपया और 100 एकड़ जमीन। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना बारात वापस ले जाओ। बेशक लिखिए मौलवी साहब, और ऐसी स्याही से लिखिए कि फतेह खान खुद भी चाहे तो उसे मिटा ना सके। निकाह की रस्म अदा कीजिए मौलवी साहब। तुम्हारी इस खुशी के बदले अगर हम तुमसे अपने लिए कोई खुशी मांगें तो क्या तुम दे सकोगे? अब्बू, हमारी हर सांस आपकी है, आपकी खुशी की खातिर हम तो जहर भी पी जाएंगे अब्बू। तो फिर कलामे पाक पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम सिर्फ वही करोगे जो हम कहेंगे। ये लीजिए, हम कलामे पाक की कसम खाते हैं, मांगिए हमसे क्या चाहिए। तो निकाल दो रुखसार को इस हवेली के बाहर। ये लो तुम्हारे बाप की लगाई हुई गोली, और ये लो 100 एकड़ जमीन के कागजात। अब जाकर अपने बाप से कहना कि शेर खान ने हक मेहर अदा कर दिया है। उन्होंने हमारी बहन की जिंदगी उजाड़ दी है। बाबा जानी, उन्होंने हक मेहर अदा नहीं किया, उन्होंने हमारी बहन की एक रात की कीमत चुकाई है। तेरी बेटी को हमने मांग भी लिया, निकाह भी किया, अपना भी लिया और छोड़ भी दिया। रही बात घर बसाने की फतेह खान, अब घर तो तभी बसेगा जब तू हमारे सामने घुटने टेक कर हाथ फैला कर रहम की भीख मांगेगा। शेर खान, तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं ना छोड़ा। सनम बेवफा, सनम बेवफा, जाने मन मेरी जान, मैं नहीं बेवफा। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम रुखसार से मिलने आए हैं। रुखसार को अपने घर से निकाल कर तुमने ये हक खो दिया है दामाद साईं। बाबा जानी, अगर हमें मालूम होता कि अब्बू जान हमारी रुखसार को घर से निकलवाने के लिए हमारा हाथ कुराने पाक पर रखवा कर हमसे कसम खिलवा रहे हैं तो बाखुदा हम अपने हाथ कटवा लेते, मगर ऐसी कसम कभी ना खाते। रुखसार से तुम्हारा रिश्ता अब तभी जुड़ सकता है जब तुम्हारा अब्बा शेर खान हाथ जोड़कर यहाँ आएगा और अपने किए की हमसे माफी मांगेगा। बाबा जानी, अपने गुरूर को जिंदा रखने के लिए हमारी मासूम मोहब्बत पर अपनी दुश्मनी का ऐसा कोई किला मत बांधिए जिसकी बुनियाद आपको खून की नदियों पर रखनी पड़े। खुदा हाफिज। आपने क्या किया? पुलिस को यकीन दिलाने के लिए कि कुत्ता पागल हो गया था, हमने गोली चला दी। आओ। सुल्तान, तेरे आशु को अफजल खान के कुत्ते ने मार डाला। फतेह खान! जरूर आएगा वो, अपनी टूटी हुई किस्मत को जोड़ने, चोली फैलाकर हमारे दहलीज पर रहम की भीख मांगने जरूर आएगा। सिर्फ एक बार देखना तुम, तेरी औलाद की आवाज जब उसके कानों में गूंजेगी, उसके बाद देखना क्या होता है। काका साहब, मुबारक हो, आप नाना बन गए। रुखसार ने इस खानदान को चांद सा बेटा दिया है। चांद नहीं,
हमारे दिल पर जलता हुआ एक दाग है ये, एक दाग। आंसू पोंछ डालो सलमान, तुम्हारी रुखसार को हम लाएंगे। क्या? मगर सलमान, तुम्हें अपनी दुनिया अलग बसानी पड़ेगी, जहां ना भाईजान होंगे और ना ही फतेह खान। सरहद पर तुम हमारा इंतजार करना, हम तुम्हारी रुखसार को लेकर वहीं आएंगे। अपने जिद के बढ़ते हुए कदमों को रोक भी लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस हवेली में अकेले रह जाएं। शेर जंगल में अकेला, शेर खान इस हवेली में अकेला, क्या फर्क पड़ता है? सुल्तान, अब मैं शेर खां के पोते के टुकड़े टुकड़े करके उसे जिद के तराजू में डाल दूंगा। शेर खां झुक भी जाएगा और टूट भी जाएगा। रुखसार! वो घर छोड़कर चली गई है काका साहब। रुखसार बच्चे के साथ भाग गई है, उसका पीछा करो और जहां मिले उससे बच्चा छीन कर जिंदा दफन कर दो और रुखसार को वापस ले आओ। बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना। हमारे रास्ते से हट जाओ ठाकुर, और बच्चा वापस दे दो, उसे हमें जिंदा दफनाना है। फतेह खान साहब के हुक्म के आले मत आओ ठाकुर। ऐसा हुक्म फतेह खान तो क्या, अगर हमारा भगवान भी दे दे तो हम उसके भी हुक्म के आड़े आ जाएंगे। रुखसार, हम राजपूत भाइयों की बहन है। हमारी बहन और उसकी औलाद की रक्षा के लिए हम तुम्हारी जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। सज्जन साई, लाओ ये बच्चा हमें दे दो। इस बच्चे तक पहुंचने के लिए आपको हम पांचों भाइयों की लाशों से गुजरना होगा। हट जाओ सामने से, ये हमारा खानदानी मामला है। खानदानी मामले दरवाजे बंद करके सुलझाए जाते हैं, मैदान में आ जाए तो फैसले लोगों के हाथों में आ जाते हैं। कसम खुदा की अगर तुम्हारी जगह इसके सगे भाई भी होते तो हम उनका भी खात्मा कर देते। शेर खान साहब, बंदूकों और तलवारों से सिर्फ इंसानों का खून बहता है, फैसले नहीं होते। नहीं ठाकुर, फतेह खान की जिद का फैसला सिर्फ बंदूकें और तलवारें ही कर सकती है। नहीं अबू नहीं, मेरे और मेरे दुश्मन के बीच अगर तू भी आ गया तो मैं तेरी भी गर्दन काट डालूंगा। नहीं, अगर आप दोनों किसी की प्यास सिर्फ खून से ही बुझ सकती है तो लीजिए, आप दोनों का खून जो इसके जिस्म में दौड़ रहा है इसके दो हिस्से करके आधा मैं इसके दादा को दे देती हूँ और आधा नाना को। सलमान बेटे, हमारे लाडले और रुखसार को लेकर घर चलो।